हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का जो रिक्वायरमेंट रिलीज़ किया गया है वो उसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या सारे प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, आपकी एज कितनी रहेगी, आप कहाँ पर किसे किस तरीके से कौन सा अप्लीकेशन फॉर्म दें, कौन से लोकेशन पर अवेलेबल है, और लास्ट डेट का भी है, फर्स्ट डेट का भी है, सारी चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे आपकी, इसमें सैलरी कितनी होगी, तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जरूर यहाँ पर आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यहाँ पर फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ पर पोस्ट जो नेम है क्लर्क का, टोटल वैकेंसीज 32 वैकेंसीज यहाँ पर चाहिए, और इसे आप ऑफलाइनली अप्लाई करेंगे, यानी कि अब मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप फिर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके सबमिट कर देना। अभी सिलेक्शन प्रोसेस आपके रिटर्न एग्ज़ाम होंगे, एक इंटरव्यू होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू होंगे, तब आपको सेलेक्ट किया जाएगा, दोनों को आपको यहाँ पर पास होना पड़ेगा। अभी सैलरी आपकी जो है 10,000 से लेकर के 34,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी, प्लस ग्रेड पे भी आपको दिया जाएगा, ओके। एज आपकी कितनी रहेगी, मिनिमम एज आपकी 18 इयर्स, मैक्सिमम एज आपकी 37 एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी नहीं लगेंगे किसी भी कैंडिडेट्स को। क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए, ग्रेजुएट हुए हैं किसी भी डिग्री से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये क्या क्वालिफिकेशन आपकी है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, ओके। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑफलाइन 2 दिसंबर, 2 दिसंबर आपके पास लास्ट टाइम है अप्लाई करने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक दे रखे हैं, आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है और फिलअप करना है। तो ये नोटिफिकेशन में आपको ज़रूर पढ़ लेना है क्या क्या, कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या होनी चाहिए, और कितना ग्रेड पे आपको मिलेगा, कितना क्या होगा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, उस पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे कि क्लर्क है, ठीक है, हाँ क्लर्क है, तो उसके लिए 32 पोस्ट अवेलेबल है क्लर्क के लिए, उतने लोग जा सकते हैं यहाँ पर। तो जनरल के लिए 18, SC के लिए 3, BC के लिए 3, ESM के लिए यहाँ पर, तो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जनरल के लिए यहाँ पर आपको बताया था मैंने कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सीजन जट यहाँ पर आप देख सकते हैं जज, तो नेम आप लिखेंगे यहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो यहाँ पर आप तो आपको पता ही है आपका नाम लिखेंगे, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पर आप सारी चीज़ें फिल कर देंगे। यहाँ पर डेट सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए, ये आपको आता है सारी चीज़ें। तो बस आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसे डाउनलोड कर लेना, और जाकर डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारे फॉर्म को फिलअप कर देना है। अगर आपको किसी भी चीज़ में अभी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का लिंक एक बार फिर बता देता हूँ, आपको क्लिक करके इस पेज पर आ करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, फॉर्म को फिल करना है और जा करके सबमिट कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सारी डिटेल्स मैंने बताई दी है।